गोहलपुर पुलिस ने प्राणघातक हमले के मामले में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूरा उर्फ सरफराज पर हमले के आरोपी साकिर एवं सगीर की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई थी, तो दो आरोपी रजा खान और मोहम्मद फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5/10/2020 को गाजीनगर में चाकूबाजी की सूचना प्राप्त होने पर विक्रम अस्पताल जबलपुर पहुंचे, जहां पर प्रार्थी भूरा उर्फ सरफराज ने आरोपी मोहम्मद सामिर सगीर राजा व मोहम्मद सामिर के द्वारा चाकूबाजी करने की रिपोर्ट लेकर आई। रिपोर्ट पर अपराध धारा 307 का कायम कर विवेचना में लिया गया। दोनों ही पक्षों को चोटें आई थी। दूसरे पक्ष की ओर से भी अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। बाद कायमी के आरोपी मोहम्मद समीर और सगीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिनांक 1/1 को आरोपी राजा को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। आज दिनांक 4/11 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आरोपी मोहम्मद साहिद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।